कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अगर लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो हुए हैं प्रवासी मजदूर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं, और मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। लॉकडाउन के इस दौर में मजदूरों के पलायन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई झकझोर देंगी आपको। ये तस्वीरें कभी ना भूलने वाली हैं, ये हालात लोगों के जहन में हमेशा रहेंगे। कोरोना महामारी का दौर इन लोगों को सबसे ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि तकलीफ ही तो सबसे ज़्यादा यही सह रहे हैं। मजदूरों के इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, कोरोना, सरकार या फिर ये खुद? महाराष्ट्र से बिहार, दिल्ली से यूपी, गुजरात से मध्य प्रदेश, मजदूरों का पलायन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मजदूरों से रुकने का आह्वान किया, लेकिन रुकें तो रुकें कैसे, ना काम बचा ना खाने के लिए अनाज। बात जब नहीं संभली तो मजदूरों को उनके ठिकानों पर पहुंचाने का दौर चला, लेकिन ये भी काम नहीं आया। मजदूरों की संख्या लाखों में है और उनको घर पहुंचाने के लिए साधन नाकाफी है, लिहाजा घर पैदल ही निकल पड़े हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। लॉकडाउन के बीच देश भर में मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन धौलपुर से आई एक तस्वीर इस वक्त पूरे देश में छाई हुई है। आप भी देखिए किस तरीके से एक मासूम ट्रॉली बैग के सहारे अपने सफर की तरफ निकल पड़ा है। कोरोना काल में बेबसी और एक माँ की बहादुरी की ये तस्वीर देख लीजिए। जब जब कोरोना काल में मजदूरों के पलायन का जिक्र होगा, ये तस्वीर हमेशा याद आएगी। कैसे एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को ट्रॉली बैग पर लेटा कर आगे बढ़ रही है। नीचे गर्म जमीन है और आसमान में खिली धूप तकलीफ बढ़ा रही है, लेकिन माँ का हौसला हारने के लिए तैयार नहीं है। इस तस्वीर को देखिए। ट्रॉली बैग ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि सामान ढोते ढोते वो एक दिन इंसान को ढोने लगेगा। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। यहाँ भी ट्रॉली बैग मासूम को सहारा दे रहा है। अब आपको उत्तर प्रदेश के झांसी से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, किस तरीके से एक दिव्यांग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा है मजबूरी के इन हालातों में। क्या कमजोर, क्या दिव्यांग और क्या बलवान। कोरोना के कहर ने हर किसी को मजबूरी की भट्टी में ऐसा झोंका कि कोई काम ना आया। उत्तर प्रदेश के झांसी की ये तस्वीर देखिए, कैसे एक युवक दिव्यांग को साथ लेकर झांसी से मध्य प्रदेश के सागर का सफर तय करने निकल पड़ा है। ये दोनों निकले थे उस जगह से जहां से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, यानी ब्रह्मा जी के पुष्कर से। लेकिन ये अपने घर के लिए ऐसे वापस निकलेंगे, ये इन्होंने नहीं सोचा होगा। देश भर में मजदूरों का पलायन जारी है और मजदूरों की समस्या को कुछ कम करने के लिए कई सारी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं। यहाँ की कहरा तहसील में सामाजिक संस्थाएं मजदूरों को खाना खिला रही हैं, उनका पूरा ख्याल रख रही हैं, ताकि महामारी के इस दौर में वो सही सलामत अपने घर की तरफ पहुंच जाएं। निकल पड़े हैं अपनी घर की तरफ, न थकेंगे और न रुकेंगे जब तक नहीं पा सकेंगे मंजिल। देश भर में प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। काम धंधा ठप हो गया तो सबको अपने घर की याद आने लगी, क्योंकि जहाँ काम करते थे वहां से निकाल दिए गए और प्रशासन से इतना इंतजाम ना हो सका, और अगर हुआ भी तो इन्हें सिर्फ अपने घर जाना है। ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और मजदूरों की मदद कर रही हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की हैं। यहाँ के कहरा कस्बे में सामाजिक संस्थाएं हाईवे से निकलने वाले मजदूरों का पूरा ख्याल रख रही हैं, उन्हें खाना खिला रही हैं, अगर कोई तकलीफ में है तो उसे घर पहुंचाने में मदद कर रही हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर कोरोना को हराना है तो इंसान को इंसान के काम आना ही होगा।